इस दुनिया के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, जिन्होंने सिख कौम की स्थापना की थी मजलूमों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, और आज का दिन पूरी दुनिया के अंदर सिख समाज जो मजलूमों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कौम शहादत तपो जपो से सजी हुई, आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी इनको इस दिन को शुभ दिन के ऊपर मनाता है। और कल निकली है 13 अप्रैल, जो 13 अप्रैल को विसाखी के दिन जलियांवाला बाग के अंदर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने कुर्बानी शहादत दी थी, वो भी दिन हमारे लिए वो दिन था जो पंजाबियों ने इस भारत माता को अंग्रेज़ों की जंजीरों से छुड़ाने के लिए पंजाबियों का अलग योगदान रहा था। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर कहना चाहूँगा, कोरोना काल हो, भूकंप हो, कोई भी इस राष्ट्र के ऊपर मुसीबत आती है सबसे आगे रहती है। और हमारे यहाँ के आहूजा साहब, सुरेंद्र पाल सिंह जी आहूजा, चरण सिंह जी, सपरा जी, सारे मिल करके हमेशा कोई भी आफत आती है, टिम्मी जी, मेहता जी मिलजुल करके अपनी कौम का नाम ऊंचा करते हैं और राष्ट्र की सेवा। सर, आपने हमें भी अवार्ड दिया है, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं आप, तो अभी कितनी शांति है, बात करें यूक्रेन में भी अब हमारा भारत आतंकवाद से मुक्त हो चुका है, ठीक है, अब आतंकवाद नाम की मुंबई में। और WPU के लिए आज परफॉर्म करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन के बारे में? वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बड़े वीर जी टिम्मी मेहता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा मंच मुझे दिया। विसाखी की शाम है, एडवांस में ही मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ विसाखी की। और आज खालसा साजना दिवस है, जिवें सारे कहते आप कि खालसा पंथ की अज नींव रखी गई सी, सो आप अज खूब रज के भंगड़े पावांगे, विसाखी मनावांगे। साढ़े नाल बिग बॉस बॉलीवुड के बिंदु दारा सिंह बैठे है, सो वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का एक बार फिर से शुक्रिया। कौन से गाने, कौन से नंबर आप परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ खास तैयारियां क्या हैं? एक्चुअली क्या है कि ये हमारे कोई ऐसा हमने सीक्वेंस बनाया नहीं होता, जो ऑडियंस की डिमांड होती है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेज पर जाने के बाद हम देखते हैं ऑडियंस की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। गाएंगे पंजाबी, सब कुछ गाएंगे, गुरदास मान साहब से लेकर बॉलीवुड तक सब कुछ गाने की कोशिश करें। आपका सबसे पॉपुलर गाना कौन सा है जो आप यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? जो अभी भैया ने बोला, टेंशन कभी ना लेने का, औरों को टेंशन देने का। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? चन्नी जी के साथ मेरा लगभग 4 या 5 सालों से लग रहा था, और हमने कहा कि मौका बनेगा, हम 100% वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजन में आपको लाएंगे। और बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजन, जहाँ पर आज ये इनका हम इंट्रोडक्शन इसलिए करना चाहते हैं, और क्योंकि शादियाँ बहा में जितने लोग हैं आज ये इनको लेंगे, इनका आज परफॉर्मेंस से काफ़ी फैमिली को पता लगे कि चन्नी मस्ताना है। तो इंट्रोडक्शन बिंदु जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे मुबारक हो बैसाखी की आपको, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट्स के बारे में? आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, आप लोग आपको समझना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत पंजाबियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और हमारे पंजाबियों के लिए पूरे इंडिया में इतने फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो ये पूरा हफ्ता ही बहुत वंडरफुल है। आज गुड फ्राइडे, आप भी म्यूजिक का शौक रखते हैं, गाना वाना बजाना? बिल्कुल बिल्कुल, गा नहीं सकता लेकिन शौक है। गा नहीं सकते पर बजा जरूर सकते हैं। बजा सकते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में बात करें? भैया आप टीवी भाई तो हमारी जान है, देखो ये सारे के सारे पंजाबी हमारी जान है, ये भी है, वो भी है, सारे के सारे। लेकिन टिम्मी भाजी जैसे आज मस्ताना जी को लेके आए, हम सब देखेंगे लाइव, और आई थिंक यहाँ से मस्ताना जी भी रॉक करेंगे, क्योंकि पंजाबियों ने बॉम्बे में मस्ताना जी को लाइव बहुत ज़ोर से देखा नहीं है, आज देख लेंगे। वैसे टिम्मी भाजी मुझे स्टेज पे लेके आए थे फर्स्ट शो, तो ऐसा होता है, टिम्मी भाजी हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जब बुलाते हैं हमारे। बॉलीवुड में बीच बीच में फिल्मों की स्क्रीनिंग भी कराई है इन्होंने, इतनी तरीकी है, बहुत चीज़ें कराते हैं टिम्मी भाजी, कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। स्पेशली मुझे पसंद है वो एल्डरली लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, जो चीज़ें उन्होंने चलाई हैं मुहिम चलाई है, सब मेरे दिल के करीब है। तो पॉलिटिकल लोग भी आए आपके साथ में, सर क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल नहीं है भाई, ये यहाँ पंजाबी है, और पंजाबी है तो पंजाबी का दिल तो वैसाखी के लिए लगेगा ही लगेगा, और आज देखिए मस्ताना जी कितनी मस्ती करेंगे, देखनी है। बस यही है कि काफ़ी अभी आने के पहले काफ़ी वीडियो हम देख रहे थे इनके, और बड़ी एंग्जाइटी बढ़ रही थी कि इनको अभी लाइव देखेंगे,
और बच्चों के बोल के आए हैं कि भाई आपको मैं ये इनका वीडियो मैं दिखाऊंगा अभी जो हम लोग देखते थे सच इनकी ये इतना स्टेज पे ले आते हैं लोगों को डांस करवा लेते हैं। बड़े बड़े कलाकार बुलाने तो बड़े आसान है, 2 लाख दिया, 8 लाख दिया, 10 लाख, 15 लाख कलाकार बुला के बहुत आसान है, पर ये कलाकार लेके आपको दिखाना है कि ये भी देखो सब स्टेज को कैसे नचा सकते हैं। और भगवान इनका छोटी उम्र में ही इनको आशीर्वाद है, इनके लिए अरदास है ये बड़ी अच्छे स्टेज पे जाएं, बड़े पहनावे में जाएं। सर आप क्या बोलना चाहेंगे सबके बारे में? मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग यंगस्टर्स अप, वी वांट दिस यंग पॉप सिंगर एंड कल्चरल पीपल स्प्रेड द वॉइस ऑफ पंजाबियत एंड क्रिएट अ वर्ल्ड मोर टुगेदरनेस एंड दैट इज व्हाट वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। सर स्टेज का तो हम नहीं ले पाएंगे, कॉपीराइट का इशू है, एक गाना गुनगुनाएंगे आप? बोलियां ते भंगड़ा पंजाबियां दी शान है, पंजाबियां दी शान है, वेख दे ने लोक जिधरों भी लंघ जाने, जिधरों भी लंघ जाने, ओ गिद्दे विच फल के नचाण गबरू नी नचाण गबरू। 1 2 3 4 चक दे, क्या बात है। आज के जो फंक्शन है इसके बारे में अगर बात करें, आज हम बैसाखी का त्यौहार WPO की तरफ से यहाँ मनाने आए हैं। आज 2 साल के बाद ये मौका मिला है हमें, ताकि हम फिर अपनी बिरादरी, हम अपने WPO मेंबर्स के साथ में मिल के एक फेस्टिव सीज़न शुरू करें। टीम जी, आज आने वाले मेहमानों में कौन कौन है, कौन कौन चीफ गेस्ट आने वाले हैं? WPO इन्होंने बोल तो दिया है, पर WPO का मतलब है वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन। एक ये वर्ल्ड में कम से कम 16-17 जगह हमारे अलग अलग संस्था के रीजन्स हैं हमारे। और आज के जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, एक्चुअली एंटी टेरिस के जो दिल्ली के चीफ है मिस्टर MS बिट्टा जी है, दूसरा कांग्रेस के जो संजय निरुपम जी हैं, चरण सिंह सापरा जी हैं, और एड मैन जिसको हम लोग कहते हैं प्रहलाद कक्कड़ जी, वो खुद आ रहे हैं, बिंदु दारा सिंह है, मुकेश ऋषि है, बड़े बड़े और दूसरे अलग अलग कलाकार हैं जो आते आते जाएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड के बारे में, इस शो के बारे में? कुछ अवार्ड से भी नवाजा जाएगा लोगों को। चाहे वैसाखी का त्यौहार, फार्मर्स का हार्वेस्ट का त्यौहार है जहाँ पर डांस नाच होता है, पर एक्चुअली ये एक सिख साधना दिवस है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फाउंडेशन ले डाउन की थी सिखों की, और सिखों को एक रिकॉग्नाइजेशन दी थी। इसके लिए ये रिकॉग्नाइजेशन जब मिली थी, ये 5K के साथ मिली, जो आपको सबको पता है, कंगा, कड़ा, कच्छा, किरपान, सारे 5 ये जो के दिए गए थे सारे, ये सिखों को दिए गए थे, एक आइडेंटिफिकेशन सिखों को मिली थी। इसके लिए इसको हम सिख साधना दिवस कहा जाता है, और सिखों और पंजाबियों ने इसको एक वैसाखी को एक बड़े पैमाने में आपको नज़र आया होगा, ये हार्वेस्टिंग की वजह से डांस होते हैं और हमारे सिखों की वजह से भांगड़े हो जाते हैं। WPO हमेशा करता है, पीछे 83 की स्क्रीनिंग था और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम करता रहा है। टीम जी, आज की जो खास हाईलाइट क्या है म्यूजिकल नाइट की अगर बात करें? आज बॉल स्टार ये जो सिंगर है चन्नी मस्ताना, इनको हमने आज यहाँ पर बैसाखी उनके साथ मनाने के लिए स्पेशली नॉर्थ से बुलाया है। हमारा ये टारगेट है कि यहाँ पर हमारा जो पंजाबी विरसा है और पंजाबी संगीत है, ये हमारे फैमिली, हमारे बच्चों में जुड़ा रहे, घुटा रहे, इसीलिए हम ये बैसाखी में और लोगों के साथ में मनाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या क्या WPO करने वाला है? अभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वर्ल्ड में, आ रही है देश में नहीं, तो क्या कुछ? वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट 2-2.5 सालों में बड़े अच्छे काम किए हैं। ये नहीं कि पेंडेमिक में हम सो गए थे या रह गए थे या पीछे हटे, हमने 2020 के अंदर जो बैसाखी के समय ही बिल्कुल लोगों को बैसाखी के अवसर पे राशन बांटा था, जो कि उस टाइम लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए जगह नहीं थी, लोगों के नौकरियां नहीं थे, काम धंधे नहीं थे। उस वक्त सोनू सूद जो है और मिका ने खास हमारे साथ में आके, उस वक्त जो भी लेबरर्स जो जाना चाहते थे, गांव जाना चाहते थे, इधर फंसे पड़े थे, उनको हमने राशन पहुंचाया। उसके बावजूद हमारा जो उससे पहले का सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हमने एक
डे केयर सेंटर खोला था, जिसमें हम चाहते थे कि जो दिन में सुबह से शाम के बेचारे घर में बुजुर्ग पड़े रहते हैं या फैमिली से थोड़े दूर रहते हैं, हम उनको अपने इधर सेंटर में बुला के उनके दिन की एक्टिविटी का ये काम हमने भी किया। हमें गवर्नर साहब ने, इवन उदय साहब ने इसकी अप्रिसिएशन के ऊपर वर्ल्ड पंजाबी को लिखित में इवन अप्रिसिएशन का हॉनर का एक लेटर भी हमको दिया। आप सब क्या कहना चाहेंगे कुछ इस मौके पर, कुछ बोलना चाहेंगे आप? ज़रूर, अदर देन दिस जो हमारे चेयरमैन साहब ने हमने बताया आपको, हम हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। WPO के अंदर हम हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं अभी, क्योंकि हेल्थ का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है। जो गरीब तबका है उनको सही डायग्नोसिस नहीं मिलते, सही जो उनको प्राइस पे, जो समझो आज ब्लड टेस्ट कराना है या आई कैटरक कराना है या आई चेकअप कराना है, उनके लिए उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम ये योजना कर रहे हैं कि इसको मिनिमम कॉस्ट में WPO इसको चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सर, आप हर चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे करते हैं, अभी हाल ही में कल एक वीडियो वायरल हो रहा है अमेरिका का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उस पर कुछ आपकी जांच जा रही है? किसकी? जो एक सिक्के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, बदतमीजी की गई है, ये ऐसी चीज़ें, देखो हर किस्म के एक एलिमेंट होते हैं उनको। अभी जैसे अभी आप देखो न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेन के अंदर 15-16 लोगों को वैसे ही फायरिंग कर दिया, तो अमेरिका में ऐसे वारदात होते रहते हैं। ये इक्का दुक्का वारदात हैं, इसमें कोई मजहबी इखलाक नहीं है, ये हम समझते हैं। क्योंकि हमारे जो खालसा एड है जो इस समय यूनिवर्सल काम कर रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो, यहाँ पे फार्मर के थे तो वहाँ पहुँच गए, जहाँ अर्थक्वेक होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ भी ही ज़रूरत पड़ती है वर्ल्ड पंजाबी के ने भी उनका साथ दिया है। जब इधर फार्मर की स्ट्राइक हुई थी तो हमने खूब सारे उनके जो सर्दियों में अंदर के वेस्ट होते हैं हमने उनको भेजे थे खालसा एड के थ्रू ही, और वो काफ़ी काम हो रहा है। कोई ऐसा मज़हब का इखलाक नहीं है। वर्ल्ड पंजाबी का भी एक यही है कि सांझा एक जो सांझा जो है ना, हम लोग सच सांझा करते हैं। अभी जैसे कोविड के टाइम पे हमने ये सैनिटेशन टनल्स बनाए, हैंड डिस्पेंसर बनाए, जिसकी एक एक की कीमत 30,000 रुपये थी, वो भी हमने जो टेंपल्स हैं गुरुद्वारा हैं उनमें भेजा, ताकि जो भी जाए वो डिसइनफेक्ट होके जाए। इस तरह के काफ़ी सारे हम प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को हमारे क्या है ह्यूमैनिटी सर्विस। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स ओनली इन वन थिंग एंड दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। सबके साझा है, सरबत का भला हो, ये एक हमारी बहुत बड़ी आवाज़ है।